JK24 से जुड़ चुके हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शिल्पा शर्मा। जम्मू कश्मीर में मौसम के मिजाज बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर तस्वीर में आपको जम्मू की दिखाना चाहूंगी। इस समय मौसम जो है वो काफी ज्यादा बदलते हुए नजर आ रहा है। अगर तापमान की बात करें तो इस समय तापमान जो है वो 13 डिग्री सेल्सियस जम्मू का तापमान है, जहां पर मैदानी इलाकों में जो है वो बूंदाबारिश देखने को मिल रही है, पहाड़ी इलाकों में जो है वो बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कमेंट सेक्शन पर अपना इलाका जरूर साझा कीजिएगा, जरूर बताएगा कि आपके इलाके के मौसम सूरत हाल इस समय क्या कुछ है। और तस्वीरें आप देखें, इस समय बादल छाए हुए हैं, जहां पर दिन भर आज इसी प्रकार से जो है वो मौसम रहने वाला है। और देखिए किस प्रकार से जो है, यानी कि मैदानी इलाकों की बारिश की बात करें तो बारिश से बचाई हो रही है और मैदानी। कमेंट सेक्शन पर अपना इलाका जरूर साझा कीजिएगा, जरूर बताएगा आपके इलाके के मौसम सूरत हाल इस समय क्या कुछ है। फिलहाल तस्वीरें जम्मू से आप देख सकते हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं, जहां पर पहाड़ी इलाकों में बात करें तो पहाड़ी इलाकों में जो है वो बर्फबारी का सिलसिला जारी हो चुका है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपके इलाके की मौसम सूरत हाल क्या कुछ है वो भी होना शुरू हो रही है। हल्की बूंदाबारिश का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और कमेंट सेक्शन पर अपना इलाका भी जरूर साझा कीजिएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से 18 से लेकर 20 तारीख तक, यानी कि आज से अगले 20 तारीख तक जो है वो इसी प्रकार से मौसम रहेगा, जहां पर मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होगा, मौसम में काफ़ी ज़्यादा जो है वो यानी कि ठंड जो है वो देखने को मिलेगी, सर्दी का आभास होगा। और 20 तारीख की रात तक इसी प्रकार से मौसम रहने वाला है, बर्फबारी रहने वाली है पहाड़ी इलाकों में, और साथ ही साथ मैदानी इलाकों में जो है वो बूंदाबारिश भी रहने वाली है। फिलहाल अगर आपको बता दें कि फिलहाल जो है वो छोटी छोटी बारिश जो है यानी कि रुक रुक को मिल रही है, छोटी बूंदाबारी जो है वो फिलहाल देखने को में। और जिस तरीके से ये साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, जम्मू में इस समय मौसम जो है वो काफी ज्यादा बदलते हुए नजर आ रहा है, और जम्मू कश्मीर में इसी प्रकार से मौसम जो है वो आज रहने वाला है, और अगले 20 तारीख तक मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार इसी प्रकार से जो है वो मौसम रहेगा। तो कमेंट सेक्शन पर अपना इलाका भी जरूर साझा कीजिएगा, जरूर बताएगा आपके इलाके के मौसम सूरत हाल इस समय क्या कुछ है। डॉक्टर एजाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका कहना है कि पुलवामा में कोई भी बारिश जो है वो फिलहाल नहीं पड़ रही है। जिस तरीके से बात करें मौसम विभाग की, तो अगले 20 तारीख तक जो है वो रात भर इसी प्रकार से, यानी कि 20 तारीख की रात भर जो है वो बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिलेगा पहाड़ी क्षेत्रों में, और मैदानी इलाकों में जो है वो हल्की बूंदाबारिश भी देखने को मिलेगी। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ अगर आप रुख कर रहे हैं तो ट्रैफिक एडवाइजरी क्या कुछ है वो भी जरूर बताइएगा। माफ कीजिएगा, जब पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ आप रुख कर रहे हैं तो ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर पढ़ लीजिएगा, ट्रैफिक एडवाइजरी क्या कुछ है, उसके बाद ही पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ जो है वो रुख करना शुरू कीजिएगा। और नेशनल हाईवे की बात करें तो जिस तरीके से, यानी कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, रुक कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो अनिवार्य है वो ट्रैफिक एडवाइजरी है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की, यानी कि क्या कुछ हालात है, क्या वाहनों की आवाजाही हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो जरूरी जान लीजिएगा। और उसके बाद जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ या फिर कहीं पर भी आपको रुक करना है तो आप रुक कर सकते हैं। फिलहाल इसी प्रकार से मौसम जो है वो दिन भर आज रहने वाला है, और कई पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला भी हो चुका है, जहां पर पर्यटक जो है वो बर्फबारी देखने के लिए वहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि इससे पहले की बात करें तो इससे पहले काफी समय पहले जो है वो बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिला था, और अब फिर से एक बार फिर से बर्फबारी का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर इस समय बूंदाबारिश की बात करें तो कई सारे मैदानी इलाके ऐसे हैं जहां पर बूंदाबारिश भी हो रही है, और इस समय जम्मू में भी बूंदाबारिश का सिलसिला जो है वो जारी होना शुरू हो चुका है। हालांकि अभी इस समय बिल्कुल हल्की सी बूंदाबारिश जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुछ मैदानी इलाकों की बात करें तो कई सारे मैदानी इलाके हैं जहां पर बूंदाबारिश का सिलसिला जारी हो चुका है। कमेंट सेक्शन पर अपना इलाका जरूर साझा कीजिएगा, अपने इलाके के मौसम सूरत हाल समय क्या कुछ है वो भी जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और तमाम लोग जो भी हमसे जुड़ेंगे कमेंट सेक्शन पर अपना इलाका जरूर साझा कीजिएगा, जरूर बताइएगा आपके इलाके की इस समय मौसम सूरत हाल क्या कुछ है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ रुख करना चाहते हैं तो बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि इस समय पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी जो है वो होना शुरू हो चुकी है, जहां पर कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जहां पर बर्फबारी जो है, जो जिला की बात कर ले तो जो जिला में जो है वो इस समय बर्फबारी का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं तस्वीर कुछ दिखाना चाहूंगी आपको, ये देखिए जो जिला में इस समय जो है वो बर्फबारी का सिलसिला जारी है,
और आनंद लेने के लिए अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ जो है वो रुख करना चाहते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ आप रुख कर सकते हैं, जहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। पर्यटक बर्फबारी देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फिर से एक बार बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है। तो कहीं पर भी आप रुख कर रहे हैं, पहाड़ी इलाके हो या फिर मैदानी इलाके हो, तो ट्रैफिक एडवाइजरी ज़रूर पढ़ लें और उसी के बाद जो है वो रुख करना शुरू कर दें। फिलहाल इस समय हल्का बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो मैदानी इलाकों में जो है वो होना शुरू हो चुका है और पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है, जहाँ पे कल रात से ही बर्फबारी जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिली। और इस समय की बात करें तो उस समय जम्मू में आप देखिए हल्का बूंदाबांदी जो है वो होना शुरू हो चुकी है, जहाँ पर हल्की बूंदाबांदी जो है वो अभी जम्मू में इस समय जो है वो देखने को मिल रही है। और कई सारे से मैदानी इलाके हैं जहां पर बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। कमेंट सेक्शन पर अपना इलाका जरूर साझा कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।